आजो, क्या देख रहे हो? कहाँ खड़ा है चिंकू? आजो, आजो चिंकू, आओ। It never rains in California. The sun is always shining right. People are smiling, making plans, hiding behind their shades, and you're doing the same. No rain, no flowers, nothing's growing where you're at. Heart is fire, but baby, I've been. लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स शेयर किए थे ना, उसमें कुछ मेरी क्लोजेट के ऑर्गेनाइजर्स भी थे, तो मैंने वो सब अरेंज कर लिए हैं। कल मैंने ना शाम को वीडियो अपलोड करने के बाद पूरी अपनी अलमीरा पूरी खाली करी और बहुत सारी सफाई करी और बहुत सारा डिक्लटर भी किया उसमें से। मैंने जो मेरे पुराने जो मेरी कपड़े थे ना, ड्रेसेस थी, वो सब मैंने निकाल दी। वैसे तो लंच के आधी से ज़्यादा तैयारी मैं मॉर्निंग में ही कर देती हूँ और केवल रोटी वगैरह सेकना रह जाता है दोपहर में, लेकिन आज मैंने डिसाइड किया कि चलो जो भी बना रही हूँ आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी कुछ वीडियोस का काम भी था, कुछ जूम मीटिंग्स थी, इसलिए मेरे लंच में आज डिले हो गया। तो मैं जो आज लंच का काम कर रही हूँ ना, उसमें मैंने चने भिगोए थे रात को, काला चना जो होता है, और मॉर्निंग में उसको मैंने जब ब्रेकफास्ट बना रही थी बॉयल कर लिया था नमक डाल के, और इसके साथ थोड़े से जो आलू हैं वो भी मैंने बॉयल कर लिए थे। और अब मैं कर रही हूँ प्याज का पेस्ट, यानी अनियन पेस्ट मैं बना लूँगी और उसी में ही ये चने बनाऊँगी और पूरे दिन जो जो चीज़ बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ तो पैकेट्स ठाकुर जी के लिए ऊपर चले जाते हैं और ये हैं वो जो मैंने अपने लिए नीचे रख लिए हैं, और इनकी तो मेरे घर में ना खपत बहुत ही ज़्यादा है। जो मैंने चने बॉयल करे थे उसमें से करीब एक कटोरी से थोड़े से कम चने मैंने अलग निकाल लिए हैं, इसको इसी रेसिपी में यूज़ करूँगी। और जो मैंने आलू बॉयल किए थे ना, इनको मैं छोटे पीसेज में कट करके फ्राई कर लूँगी और इनको भी मैं इन्हीं चने के साथ यूज़ करूँगी। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। और आलू को हल्का सा हम फ्राई करेंगे सुनहरा भूरा होने तक, और उसके बाद हम जो हैं इसी सेम ऑयल में ही अपने मसाले की तैयारी करेंगे। खड़े गर्म मसाले डाले और डाला प्याज का पेस्ट और इनको अच्छी तरीके से भून लेंगे, बिल्कुल प्याज कच्ची नहीं रह जानी चाहिए। और उसके बाद मैंने टमाटर का पेस्ट भी बना के रख लिया जो कि मैं इसी रेसिपी में डालूंगी। और देखिए जब ये भुन जाएंगे ना, जब तक प्याज भुनेगी तब तक हम अपने ये काले चने जो हमने अलग रखे हैं ना, इनका भी पेस्ट बना के मैं अलग रख लूंगी। और इतनी देर में प्याज अच्छे से भुन गई है और उसमें डालेंगे अब हम टमाटर का पेस्ट। और जो टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हमें इसमें कुछ मसाले डालने होंगे, और जब अच्छी तरीके से ये टमाटर भुन जाता है उसके बाद इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल के हम इसको भूनेंगे, और हाँ नमक भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे वही पेस्ट जो कि हमने चनों का तैयार किया है, और इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, और जब ये मिक्स हो जाएगा ना अच्छी तरीके से, मतलब जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तब हम इसमें चने ऐड करते हैं। इससे देखिएगा टेस्ट बिल्कुल बदल जाएगा सब्जी का। और देखिए अब इसमें जब बिल्कुल ये पानी सूख गया तो इसमें हमने चने ऐड कर दिए हैं, और अब इसमें थोड़ा पानी ऐड करके हम इसे 10 मिनट के लिए मतलब स्लो आंच पे पका लेंगे। आ जाओ, क्या देख रहे हो? कहाँ खड़ा है चीकू? आ जाओ, आ जाओ चीकू, आओ। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी मसाला पूड़ी, कचौड़ी, जो भी आप इसको नाम देना चाहें। एक्चुअली मसाले की सब्जी के साथ वैसे तो तंदूरी रोटी या रोटी ही सब पसंद करते हैं, लेकिन करण की डिमांड पे मैं ये बना रही हूँ। और इसके लिए मैंने ये तीन बड़े आलू ले लिए हैं, हरी मिर्च है, अदरक है, और एक प्याज डालेंगे, बाकी मैं सलाद के लिए मैंने काट के रख ली हैं। और इन सबको मिक्सी में बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे, और बिल्कुल भी इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे, और ये बहुत ही आराम से मिक्सी में पिस जाता है और ये एक बहुत ही अलग तरीके की मसाला पूड़ी रेडी हो जाती है। अब इस पेस्ट में जो है ना हमें कुछ मसाले ऐड करने होते हैं जो हम थोड़े से तेज रखते हैं, जिससे कि टेस्ट जो है जब इसमें आटा मिलेगा तो बहुत अच्छा आए। सारे रेगुलर मसाले, लाल मिर्च, धनिया हुआ, गरम मसाला, भुना जीरा, कसूरी मेथी, नमक, गरम मसाला,
चाट मसाला थोड़ा सा और भुने जीरे का पाउडर, और ये सब डाल के, और हाँ नमक तो ऐड करना ही है इसमें। इसके बाद इसमें डालेंगे सबसे स्पेशल चीज़, और वो है एक कटोरी के करीब तिल, जो वाइट तिल होते हैं ना वो इसमें ऐड कर दिए हैं। और उसके बाद इसमें हम इतना ही गेहूं का आटा डालेंगे कि इसका एक टाइट डो प्रिपेयर हो जाए। धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे, पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। और ये इतनी टेस्टी मसाला पूड़ी बनेंगी ना, बच्चे बार बार डिमांड करेंगे, और ये बहुत ही खस्ता बनती हैं। और हाँ देखिए, ये मेरे जो आलू प्याज के कंटेनर हैं इनके बारे में बहुत कॉमेंट्स आते हैं, ये मैंने होम सेंटर से लिए थे और ये सिरेमिक के बने हुए हैं, और इससे पहले मेरे पास वेस्ट साइड के मेटल के बने हुए थे। इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से जो आलू प्याज हैं वो स्टोर रहते हैं, और मैं इसको विंडो पे रखती हूँ और जिससे कि इसमें जो है अच्छे से हवा आती रहे। और ये है पिसा हुआ बथुआ, जो कि मैं फ्रिज में हमेशा रखती हूँ, क्योंकि जो रायता वगैरह बनाते हैं ना, तो इससे झटपट इंस्टेंट रायता बन जाता है। तो रायते का पाउडर यानी कि नमक भी बना के रखती हूँ, आपके साथ शेयर किया है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स नहीं करनी पड़ती हैं, बस वो मसाला डाला और थोड़ा सा मैंने इसमें काला नमक ऐड करा, और उसके बाद जो बथुआ मैंने पीस रखा है ना वो इसमें ऐड कर देंगे, और थोड़ी सी बूंदी चाहें तो ऐड कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया एक रायता रेडी हो जाएगा। और ये केवल दिन में ही हम लेते हैं, रात को जो है दही मट्ठा वगैरह नहीं लेते हैं। और देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सब्जी पक गई है, इसमें डाल देंगे आलू और गरम मसाला और भुना जीरा पाउडर, रेडी हो गई हमारी। आप लोग पूछते हो जब घर में अनियन वगैरह बनता है तो ठाकुर जी को भोग कैसे लगता है, तो देखिए सारी किचन को और गैस को अच्छी तरह से साफ करने के बाद, हाथ धोने के बाद मैं ठाकुर जी के लिए अलग से थोड़ा सा आटा प्रिपेयर करूंगी और इसकी उनके लिए पूड़ी बना दूंगी। और अभी ताजी जमी हुई जो दही है वो मैंने फ्रिज में रखी है, और थोड़ी सी रबड़ी बनाई थी ठाकुर जी के लिए, उसी से ही उनका भोग लगेगा। फ्रिज में दही रखी होगी, उसमें बूरा मिला लेना। और दिखाना मैं आपको भूल गई थी, ये मैंने ना अपने गोपाल जी के लिए बनाई है एक उनके बिछाने के लिए, और ये भी ना मैंने क्रोशिया से बनाई है। देखिए ऐसा बनाया है कि उनके सिंहासन पे ना थोड़ा सा ऐसा गिरता रहे। और इसके लिए जो मैंने ऊन इस्तेमाल करी थी ना, वो ये वाली ऊन इस्तेमाल करी थी। और बस 10 मिनट बाद इस आटे की छोटी छोटी लोई बना के बिल्कुल पूड़ी की तरह से पतला बेल के हमें इसको सेकना है, और बहुत तेज गैस पे या आंच पे हमें तेल में इसको नहीं सेकना है। बहुत अच्छे से इसको धीरे धीरे हम जब सेकेंगे ना, तो एक बहुत ही टेस्टी मसाला पूड़ी रेडी होगी। बच्चों के टिफ़िन में भी दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसी ही करारी रहती है, तिल पड़े होने की वजह से ना ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसके आप पराठे भी बना सकते हैं और इसकी रोटी भी बना सकते हैं, और इसमें आलू कसकर भी डाला जा सकता है। तो देखिए अब बारी आएगी मेरी पूरी लंच करने की। बाहर ना देखो ये कितने सुंदर डहेलिया के फ्लावर्स हो रहे थे, इनको कोई तोड़ गया कोई बच्चा, और इतने सुंदर इतने बड़े बड़े हो रहे हैं। और इस वाले में ना बहुत सारी कलियां भी थी, और मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि डहेलिया पहली बार इतना अच्छा घर में हुआ है, बहुत सारा हुआ है और लगातार खिल रहा है। मेरी किचन में से ना बाहर जो ये वाली विंडो है, इतने ढेर सारे फ्लावर्स खिल रहे हैं और यहाँ से दिखाई देते हैं ना, तो काम करने में बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मन लगता है। पूरे जो पिटूनिया वगैरह से बिल्कुल भरे हुए हैं। ये है करीब 5 kg से थोड़ी सी ज्यादा मटर, और मटर के सारे दाने निकाल लिए हैं, और इतनी ढेर सारी मटर को मैं करूंगी अब प्रिजर्व, जिससे कि ये पूरे साल भर तक इसे स्टोर कर सकते हैं। लास्ट ईयर मैं स्टोर नहीं कर पाई थी, और उसकी वजह से मुझे जब कभी भी समर्स में मटर की ज़रूरत होती थी मैं मार्केट से ही मंगाती थी, लेकिन अब मैंने सोचा है कि टाइम पे ही कर लूँ। तो ये बिल्कुल साफ मटर है, अच्छे दाने ले लिए हैं, और ये टाइम अच्छा इसलिए भी है कि बाद में जो मटर आती है वो थोड़ी सी पकी हुई आती है, उसके दाने ना इतने ग्रीन नहीं रहते, येलो येलो हो जाते हैं। इस मटर को जब हम रखेंगे ना फ्रीजर में, तो उसके लिए कुछ जिपलॉक बैग्स आते हैं इस तरह के, अच्छी क्वालिटी के इस तरह से आते हैं, ये मैंने ले लिए हैं। और ये थोड़ा सा ना बड़ा ही लेना चाहिए, ताकि इसे ना हाफ तक मटर भर के या कोई भी चीज जो हमें प्रिजर्व करनी है उसे करके हम फिर ऊपर से इसको इस तरह से बंद कर देते हैं। Without me, I bet that you can get in the sleep in the bed lying away.
लंच के बाद मैंने जो गाजर बॉयल करी थी ना वो चढ़ा दी थी देखिए, और इसमें मैंने ऐड कर दी है शुगर, ये भी धीरे धीरे बनता रहेगा। और मटर को प्रिजर्व करने के लिए मैंने एक बड़े भगोने में पानी रखा है और बॉयल होने के लिए इसे चढ़ा दिया गैस पर। ये पानी इतना रहेगा कि जितनी भी मटर इसमें डालें तो इसमें अच्छे से डूब जाएं। ये करीब 2 लीटर के आसपास पानी होगा। और एक अलग भगोने में भी मैंने पानी रेडी करके रख लिया है, क्योंकि जैसे ही मटर बॉयल होंगी मतलब उसके बाद हमें उन्हें ठंडे पानी में डालना पड़ता है। और जब ये पानी बॉयल हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच शुगर और इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। इससे क्या होगा, मटर का कलर बहुत अच्छा रहता है, बिल्कुल हरी मटर आपकी रहेगी चीनी की वजह से, और बहुत मतलब प्रिजर्व रहती हैं। और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके इस बॉयल्ड पानी में हम डाल देंगे मटर, और जितनी मटर इसमें आए उतनी डालिए, मटर नीचे बैठ जाएंगी। और आँच को तेज ही हमें रखना है और इसको करीब 2 मिनट तक हमें गर्म पानी में इस मटर को मतलब पकने देना है। बस ध्यान रखिएगा ज़्यादा नहीं, केवल 2 मिनट। और जब ये आप देखेंगे ना, ये मटर ऊपर की तरफ आ जाती है, इससे ये पता चल जाता है कि ये मतलब तैयार हो गई है। और इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो इसका टेस्ट बहुत ख़राब होता है। अब देखिए, जिस भगोने में मैंने पानी लिया था उसमें मैंने डाल दी थोड़ी सी आइस ताकि ये पानी ठंडा हो जाए, और 2 मिनट बाद मटर को हम इस ठंडे पानी में डालेंगे जिससे कि जो मटर की गर्माई है वो ख़त्म हो जाए और मटर और भी ज़्यादा ना पके, इसीलिए ठंडे पानी का यूज़ किया जाता है। बस निकाल के हमें इसे ठंडे पानी में ऐड करना है और इसमें भी हमको इसको केवल 2 मिनट के करीब ही रखना है। मटर जब तक ठंडे पानी में है हम इसी पानी को फिर से ऐसे ही चढ़े रहने देंगे, और जब ये बॉयल हो जाएगा तो फिर से हम इसमें जो है डालेंगे थोड़ी सी नमक डालेंगे। अब तो कुछ डालने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसमें नमक और चीनी पड़ा हुआ है। बस हल्का सा हम ये करेंगे, 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे और 1/2 ही चम्मच इसमें चीनी डाल देंगे। 2 मिनट के बाद मटर को इस पानी में से निकाल लेना है और हमें किसी छलनी में रख लेंगे, और जो हमारे जिप लॉक के पाउच थे ना उसी में हम इनको भरते चले जाएंगे। और इसे पूरा नहीं भरेंगे, केवल इतना भरेंगे जितना आप एक बार में मटर का यूज़ करते हैं, और अच्छी तरीके से इसमें जो बैग में हवा होती है उसे निकाल कर आप मतलब अच्छी तरह से इसको बंद कर देंगे, और इस तरह से ये मटर प्रिजर्व हो जाती हैं। देखिए आप जो हैं इसी तरह से सारे बैग छोटे छोटे प्रिपेयर कर लेंगे। और दूसरा जो हमने ये आया था ना, इसमें नमक और थोड़ी सी हमने वो डाल दी है चीनी, और उसके बाद फिर से हमारा ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और ये हो गई मेरी सारी साल भर के लिए पूरी मटर रेडी। और अभी अभी 5 kg है, अभी 5 kg और करूंगी, शायद इतने ही नफ रहेगी। देखो, और ये सब जा रही है अब फ्रीजर में। इस तरह से हम मटर को, कॉर्न को, गाजर को और बहुत सारी सब्जियों को प्रिजर्व कर सकते हैं फ्रीजर में। तो आप भी इसी तरीके से अभी अगर मतलब स्टोर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और अभी तो केवल मैंने 5 kg करी है, अभी 5 kg मुझे और करनी है। और बस वापस अब मेरा हलवा लगभग तैयार है। खोआ ऐड करूँगी, घी में भूनूंगी और इसमें डालूंगी ड्राई फ्रूट्स। You're staying home, you don't care. You always used to love the rain. ठाकुर जी का तो देखो हलवा रेडी हो गया है, अब उनको भोग लगाएंगे। शाम हो रही है और मेरा वीडियो भी एंड की तरफ मैं लेके जा रही हूँ। और आपके जो बहुत ज्यादा कोई आपको ऐसा लगता है कि किसी चीज का रिप्लाई मुझे करना चाहिए तो वो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। और शानुआ बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने पूछा था और मुझे उसके पास जाना भी है एक दिन, देखती हूँ कब मौका लगता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताना, और पसंद आए ना तो लाइक तो जरूर करना, कमेंट करना, शेयर करना, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।